बच्चों लास्ट टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था एल्कली अर्थ मेटल्स, और एल्कली अर्थ मेटल्स के अंतर्गत जो क्षारी मृदा धातुएं थी, तो क्षारी मृदा धातुओं की विशेषताएं, इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स क्षारी मृदा धातुएं, और उसके पश्चात उन क्षारी मृदा धातुओं के जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती, क्या प्रॉपर्टीज़ होती, और इसके पश्चात इसमें क्षारी मृदा धातुओं में एल्कली अर्थ मेटल्स में बेरिलियम की एनामेलस प्रॉपर्टी, असंगत व्यवहार के जो गुण होते हैं वो पढ़े थे हम लोगों ने, बेरिलियम के असंगत गुण, एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब उसी के आगे आज पढ़ते हैं इस ग्रुप में डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप जो कि पहले समूह और दूसरे समूह, या दूसरे समूह और तीसरे समूह के तत्वों के बीच में होती है, जैसे कि क्षारी धातुओं में एल्कली मेटल्स में हम लोगों ने पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप किसका, लिथियम और मैग्नीशियम का, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध होता है। विकर्ण संबंध का मतलब कि दोनों की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, वो समान होते हैं। तो गुणों की जो ये समानता होती है, प्रॉपर्टीज की जो सिमिलरिटीज होती है, यही कहलाती है विकर्ण संबंध। कि ग्रुप तो अलग अलग हैं, जब ग्रुप अलग अलग हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि ग्रुप तो अलग अलग हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ऐसा ही फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में हुआ था, जिसमें कि लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है और मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है। तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ी थी हम लोगों ने। इसी प्रकार से जो सेकंड और थर्ड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में एल्कली अर्थ मेटल में बेरिलियम है और थर्ड ग्रुप में एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम और बेरिलियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होती है। ये ग्रुप अलग अलग हैं, बेरिलियम सेकंड का है, एल्युमिनियम थर्ड का है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है, अलग अलग ग्रुप के हैं फिर भी सिमिलरिटीज़ हैं, इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और इस डायगोनल रिलेशनशिप में हम ये बताते हैं कि बेरिलियम और एल्युमिनियम के गुणों में क्या क्या समानताएं होती हैं। जो बेरिलियम में प्रॉपर्टीज है वही एल्युमिनियम की। तो डायगोनल रिलेशनशिप में, विकर्ण संबंध में, हम ये बताते हैं कि जो प्रॉपर्टीज बेरिलियम की है वही एल्युमिनियम की है। इसी प्रकार से जैसे फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में लिथियम और मैग्नीशियम का बताया था, अलग अलग ग्रुप के प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें जो प्रॉपर्टीज लिथियम की थी वही मैग्नीशियम की थी। इसी प्रकार से यहाँ पर बेरिलियम और एल्युमिनियम, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का, एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं, तो इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध। तो यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध किसके बीच में, बेरिलियम और एल्युमिनियम, ठीक है ना। बेरिलियम के ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज लगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए थ्री प्लस चार्ज होता है।
तो इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध क्यों होता है? क्योंकि दोनों की जो पोलराइजिंग पावर होती है, ध्रुवण शक्ति होती है, पोलराइजिंग पावर या ध्रुवण शक्ति जो होती है वो समान होती है, ठीक है ना? तो सेम होती है इसकी डायगोनल रिलेशनशिप में, देख के इनमें क्यों होती है, क्योंकि इनकी ध्रुवण शक्ति सेम होती है, ठीक है ना? और डायगोन तो ध्रुवण शक्ति समान होने के कारण इनमें ही डायगोनल रिलेशनशिप, डीआर का मतलब डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध होता है, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर ध्रुवण शक्ति बराबर होती है। इसके बाद बेरिलियम और एल्युमिनियम, ये दोनों ही के जो ऑक्स जब ये नर्म धातुएं होती हैं, बेरिलियम भी और एल्युमिनियम दोनों नर्म धातु हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है बेरिलियम और एल्युमिनियम के ऊपर। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर या सुरक्षा का आवरण बन जाता है, जिससे कि जो दूसरे पदार्थ हैं उनसे इनकी क्रिया नहीं हो पाती, ये उससे अप्रभावित रहती है इस प्रोटेक्टिव लेयर बन जाने के कारण, सुरक्षा की परत बन जाने के कारण। इसके बाद कंसंट्रेट HNO3, सांद्र HNO3 के प्रति बेरिलियम और एल्युमिनियम पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेरिलियम और एल्युमिनियम के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा की परत बन गई है, तो जिसके कारण एल्युमिनियम या बेरिलियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं कर पाता, पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इसी के पश्चात नेक्स्ट देखते हैं, बेरिलियम और एल्युमिनियम एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब कि उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब कि ये जो होते हैं अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। यहाँ पर बेरिलियम का रिएक्शन दिखाया, बेरिलियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड जल से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम बेरिलेट बन जाता है, Na2BeOH का होल 4, सोडियम बेरिलेट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वैसे सामान्यतः किस जो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए, किसी भी धातु की, किसी भी मेटल्स की एसिड से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन यहाँ पर धातु की क्षार से करा रहे हैं तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, अम्ल से करा दें तब तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, वो तो सिद्धांत है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये एम्फोटेरिक, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके बेरिलियम भी एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड BO Al2O3 दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो बेरिलियम सल्फेट बन जाता है, इसी तरह एल्युमिनियम भी रिएक्ट कर जाता है, दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, मतलब कि क्षार और अम्ल एम्फोटेरिक दोनों से क्रिया कर जाते हैं। तो ऊपर मैंने बेरिलियम की रिएक्शन कराई, यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम की दिखा दी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर क्षार से रिएक्शन करा दी, यहाँ पर अम्ल से, मतलब कि इनकी हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक है, अम्ल से भी क्रिया कर जाते हैं और क्षार से भी क्रिया कर जाते हैं। तो यहाँ क्षार से क्रिया कराई, रिएक्शन कराया तो क्या बना, NaAlO2
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और जल बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड से करा दी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है और जल बनता है। इसी प्रकार से बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड दोनों ही वेपराइज हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जा वाष्पीकृत हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, और क्या होते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड के रूप में होते हैं, ससंयोजी यौगिक। जबकि जितने भी एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल, ये दोनों ही कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, लेकिन ये कोवेलेंट बनाते हैं, ससंयोजक यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक। जबकि दूसरे जितने भी एलिमेंट हैं इस ग्रुप के, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेरिलियम की जल से क्रिया कराते हैं तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार बेरिलियम कार्बाइड या एल्युमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड या एल्युमिनियम कार्बाइड, इन दोनों में से किसी की भी जल से क्रिया कराएं तो मेथेन गैस बनती है। ये कॉमन सिद्धांत है। बेरिलियम कार्बाइड या एल्युमिनियम कार्बाइड, दोनों में से दोनों की क्रिया अलग अलग अगर जल से कराते हैं तो मेथेन गैस उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या है, सिमिलरिटी, समानता। इसी प्रकार से ये जो बेरिलियम है और एल्युमिनियम है, बेरिलियम और एल्युमिनियम ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स यौगिक, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं दोनों ही। तो इस प्रकार से बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों में पोलराइजिंग पावर समान होती है, ध्रुवण शक्ति समान होती है, और इसके समान होने के कारण ही क्या होता है कि इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध होता है। और इस विकर्ण संबंध में क्या बताते हैं कि दोनों में क्या क्या समानताएं होती है। विकर्ण संबंध में बस एक ही चीज़ बतानी है कि अलग अलग ग्रुप के हैं तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप में हमें क्या बताना है, विकर्ण संबंध में केवल इतना बताना है कि ये अलग अलग ग्रुप के हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में समानता है, यही है डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध। तो ये बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच में विकर्ण संबंध क्या होता है या डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, इसको समझ करके सही ढंग से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, नोटबुक में, और इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।